आपका नाम क्या है? सतीश नाम है मेरा। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। चंद्रयान 2 के लॉन्च पर इसरो को वर्ल्ड साइंस में काफ़ी योगदान होने वाला है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, एक तो अपने वैज्ञानिकों को काफ़ी, चंद्रयान 1 का भी हम सफल हुए थे तो उसके लिए काफ़ी बधाई, 50 वर्ष चंद्रमा पे जाने का भी हुआ है इस साल तो उसके लिए बधाई, ठीक है। और चंद्रयान 2 के बारे में है तो इसमें भी हम सफल होंगे। सबसे बड़ी बात है कि चंद्रयान 2 को दो लेडीज लोग लीड कर रही हैं, दो लेडीज साइंटिस्ट हैं जो लीड कर रही हैं, तो ये हमारे देश में लेडीजों के लिए भी काफ़ी गर्व की बात है। जो लोग कहते हैं कि लड़कियां पीछे रह रही हैं, तो आजकल लड़कियों के बारे में हिमा दास से 4 गोल्ड जीत ली, ठीक है, तो काफ़ी कुछ है। तो उन दो साइंटिस्टों को काफ़ी बधाई। और हम मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपका 19वीं सदी ब्रिटेन का था, 20वीं सदी अमेरिका का था, 21वीं सदी जो चल रही है वो इंडिया की होने वाली है टेक्नोलॉजी के मामले में, ठीक है। और इसरो जो है, इसरो के बारे में हम क्या बोलें, इसरो तो जितना अच्छा कर रहा है पिछले आप देख लोगे 20 सालों में जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं हमको, हमारे देश को, तो उसके लिए तो हम इसरो को मतलब कोई शब्द ही नहीं है उसको धन्यवाद देने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। इसरो ने सबसे पहले वाटर चांद पर ढूंढा, तो पर क्रेडिट जो है नासा को मिलता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नासा को में अब जैसे अब इंडिया हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है तो अलग देश वाले तो ये सोचते ही हैं, कंप्यूटर फील्ड में भी इंडिया के बच्चे ही सारे कुछ करते हैं, लेकिन अमेरिका का नाम होता है। भले उन्होंने चिप वगैरह का इन्वेंशन किया, चिप वगैरह बनाया, लेकिन काम तो इंडिया के ही बच्चे कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। तो नाम वो ले लेते हैं कि चिप हमने किया, लेकिन उस पर आगे का काम तो इंडिया ही किया, ठीक है। इसी तरीके से चंद्रयान 1 में थोड़ा बहुत उनका भी था, लेकिन चंद्रयान 2 के बारे में बताऊंगा पूरी तरह से स्वदेशी है, किसी और देश का कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम इतने काबिल हो गए हैं कि दूसरे देश के उपग्रहों को भी हम अपने इसरो के द्वारा छोड़ा जाता है, तो ये उपलब्धि हमने हासिल की है यहाँ पे। पीएम ने बोला कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम काफ़ी बेहतर कनेक्ट हो पाएंगे और डिजिटल इंडिया को हम बेहतर बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, आप पिछले 10 सालों में आप देखोगे तो हमारे इसरो के द्वारा ही सारे उपग्रह छोड़े गए हैं, और सारे जो भी हम टीवी चैनल्स वगैरह देखते हैं अब इंडिया के उपग्रह से दिखाए जाते हैं, जो भी लाइव टेलीकास्ट होते हैं, जो भी मौसम के बारे में जानकारी मिलती है तो सारे इंडिया के टेलीकास्ट इंडिया के उपग्रहों से मिलती है। तो आगे भी जो भी हमारा उपग्रह जाएंगे, जो भी चंद्रयान से हमको जो भी जानकारी मिलेगी, तो डिजिटल इंडिया के लिए भी काफ़ी ये मदद होने वाला है हमारे लिए। अमेरिका कहता है कि भारत को पहले गरीबी पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद साइंस पर, तो आप भारत इसमें भी कीर्तिमान हो गए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, एक तो हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो गरीबी रहेगी, गरीबी ऑलरेडी हमारा देश काफ़ी सालों से गुलाम रहा, कुछ मुगल लोग लूट के ले गए, ठीक है, तो गरीबी काफ़ी हमारे देश में, तो गरीबी भी धीरे धीरे दूर हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे गरीबी के चक्कर में हमको टेक्नोलॉजी की जो जानकारियां मिल रही हैं उसको हम किनारे रखे रहे हैं और बाकी दुनिया आगे चली जाए, हम पीछे ही रह जाएं उसमें, तो ऐसा नहीं है। हम गरीबी पे भी ध्यान दे रहे हैं, हमारे पास पहले अनाज पैदा नहीं होता था, लेकिन हम गेहूँ और चावल के मामले में विश्व में हमारी भी गिनती होती है पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो हम गरीबी के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम टेक्नोलॉजी को पीछे नहीं छोड़ सकते। चंद्रयान 2 से आपको क्या उम्मीदें हैं? चंद्रयान 2 तो पहले अभी 15 तारीख को होना था तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी जिसकी वजह से 22 तारीख का डेट रखा गया है, तो पहले तो हम उसको सफलतापूर्वक उसका चंद्रमा पे पहुंचे उसकी कामना करते हैं, उसके बाद जो भी हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जो भी उसमें रखा मतलब कि हमको वहाँ से क्या प्राप्त करना है वो सारी चीज़ें हमको प्राप्त होंगी वहाँ से जानकारियाँ। पहले तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं दूंगा कि आज 50 साल पूरे हो गए, आज 50 साल पहले आज से नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गए थे, तो उसके लिए बड़ी मतलब ये अच्छी बात है कि आज 50 साल पूरे हो गए और हम दूसरे जगह पे पहुंच चुके हैं। आपका नाम क्या है? दीपक तिवारी, मैं पेशे से पत्रकार हूँ। आप कहाँ से हैं? यहीं, मैं दिल्ली से ही हूँ। ठीक है, चंद्रयान 2 के लॉन्च में इसरो का को वर्ल्ड साइंस का काफ़ी योगदान होने वाला है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? इसरो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उसमें सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है इसरो ने, आज तक इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से लेके इन्होंने अब तक जो चंद्रयान 2 का जो अभी शुरू किया है, ये यहाँ तक इन्होंने नासा से भी बढ़िया कम बजट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसरो ने सबसे पहले वाटर चांद पर ढूंढा है, पर क्रेडिट नासा को मिलता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे?
नासा को क्रेडिट नहीं मिलता, मुझे जहाँ तक जानकारी है नासा ने भी क्रेडिट दिया था इसरो को कि आप, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मिशन भेजे थे लेकिन उनको कभी पानी नहीं मिला चंद्रमा पे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इसरो ने भेजा और इसरो को एक एरिया ऐसा मिला चांद में जहाँ पे पानी के पाए जाने की संभावना है। ठीक है, पीएम ने बोला कि साइंस और टेक्नोलॉजी से हम बेहतर कनेक्ट हो पाएंगे और डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये प्राइम मिनिस्टर तो अपने आप में अद्वितीय हैं, इन्होंने जो डिजिटल मूवमेंट को जितना प्रमोशन किया है उतना पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया, और ये जो जितना भी कर रहे हैं वो कनेक्ट करने का, क्योंकि अब जो एज है वो डिजिटल एज है, यहाँ पे जो भी बच जाएगा डिजिटल मीडियम से वो पीछे रह जाएगा, इसलिए ज़रूरत है कि सबको लाया जाए, और उसमें ये भी ज़रूरी है कि जितना भी डिजिटल के लिए है वो उसमें ये हमारे सारे लोग जुड़े हैं, उसमें इसरो का भी एक काम है, ये भी जो सैटेलाइट भेजता है वो हमारा एक पार्ट है डिजिटल का। अमेरिका कहता है कि भारत को पहले गरीबी पर ध्यान देना चाहिए उसके बाद साइंस पर, तो आपको नहीं लगता कि आप भारत एक उसमें एक कीर्तिमान हो गए हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो यूरोपियंस हैं अमेरिकन्स हैं जिनको हम लोग वाइट सुप्रीमिसिस्ट बोलते हैं, जो अपने आप को सोचते हैं कि सिर्फ हमें ही टेक्नोलॉजी पर आगे काम करना चाहिए इंडिया, क्योंकि उनको लगता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इसको ध्यान नहीं देना चाहिए, पहले इनको टॉयलेट बनाना चाहिए बाद में इनको सैटेलाइट, लेकिन ज़रूरी नहीं है, दो चीज़ें साथ में चल सकती हैं, मतलब टॉयलेट भी बना रहे हैं हम, हमारा 94% जो लोग हैं उनके पास में टॉयलेट आ चुका है, सिर्फ आप भी जो है 6% बचे हुए हैं, और हमारा साथ में अगर हम कम बजट के साथ में इसरो के थ्रू स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं तो उसमें उनको समस्या नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट उनके बहुत सारे सैटेलाइट तो हमारे इसरो खुद लॉन्च करता है, अब जैसे हमारा जो इंडिया का था हम BPO के लिए जाने जाते थे, KPO के लिए जाने जाते थे, इसी तरह अब हमारा जो इसरो है वो बहुत सारे सैटेलाइट्स बाहर के क्लाइंट्स के भेजता है, और इसके थ्रू हमारा जो एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है इसरो का, इसरो को अब सरकार की पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमारा इसी तरह से ये इसरो काम करता रहा तो हमारा जो इसरो है वो जो सैटेलाइट लॉन्च करता है उसके लिए पैसे की ज़रूरत सरकार से नहीं पड़ेगी, वो क्लाइंट से ही मिल जाएंगे, ये तो ये अपने आप में एक तरह का यूनिक अचीवमेंट है हमारे इसरो का, नासा हो जर्मनी हो इवन कि जापान ने भी हमें सैटेलाइट के लिए हायर किया था कि आप हमारे सैटेलाइट भेजिए। आपको उम्मीद क्या है इसरो से? हमारे आपको चंद्रयान से उम्मीद क्या है? चंद्रयान से उम्मीद है कि हमें वहाँ पे रिसर्च से पता चलेगा कि वहाँ पे क्या हम जा सकते हैं, ह्यूमन जा सकता है, क्या इंडिया पहला ह्यूमन बेस वहाँ पे बनाएगा, क्योंकि अमेरिका ने तो शुरू में 3-4 भेजने के बाद बंद कर दिया था क्योंकि उनको ऐसा लग रहा कि महंगा है, यहाँ तक कि शक किया जाता है कि उन्होंने आदमी को भेजा भी है कि नहीं चांद पे, तो इंडिया अगर अपना रिसर्च वहाँ पे सही से करेगा, हमारा चंद्रयान 2 वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे हमें रिसर्च के थ्रू पता चलेगा कि ह्यूमन कॉलोनी बनाई जा सकती है, तो ये बहुत बड़ी पूरी इंडिया के लिए और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आपका नाम क्या? विकास कुमार। आप कहाँ से? मैं झारखंड में कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। चंद्रयान 2 के लॉन्च होने पर इसरो को वर्ल्ड साइंस का में काफ़ी योगदान रहा, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसरो हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स को अभी तक लॉन्च कर चुके हैं इंडिया के लिए भी और अदर कंट्री के लिए, क्योंकि इसरो का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, मतलब डेली लाइफों में, क्योंकि हमारे सारे जितने भी सैटेलाइट्स वो ड्रॉप करती है यहाँ से, ठीक है, उससे सारे नेटवर्किंग के मार्केट और सारी चीज़ें हमें अवेलेबल होती मिलती है, ठीक है। इस चंद्रयान 2 से अब साइंटिस्ट लोग हमारे किस किस बेसिक रीजन से उसे वहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं और क्या क्या सैटेलाइट्स है ये तो अभी सार्वजनिक रूप से ओपन नहीं किया गया है, जब वो ओपन होगा तब हमें पता चलेगा कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस उसमें है और क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलने वाली। और जहाँ तक कि अदर हमारे और नेबर्स कंट्री की बात है तो उन्हें ये सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस समझ में आता नहीं है अभी तक, ठीक है, उनका बेसिक फंडा होता है बस हमारे रीजन से, हमारे रीजन में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, और हमारी आज इंडिया अलग कंट्री बनते हुए जा रही है पूरी एशिया महाद्वीप में, ठीक है, हमारा ये इंपॉर्टेंस हो चुका है कि हम अपने रीजन्स को लेके और अगर टेक्नोलॉजी के चीज़ों में देखा जाएगा तो हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं, केवल बेसिक्स रीजन से हम अपने फाइट तो कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी में भी हमारे इंप्रूवमेंट होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो इसके साथ साथ और भी चीज़ें जैसे कि वर्ल्ड
वार होती है। तो ऐसे देशों में अभी चीन को आप देखें, रूस को देख रहे हैं, वो ऐसे सैटेलाइट्स को वहाँ पर ड्रॉप कर रही है कि जिससे कि आप अदर कंट्री के ये इन्फॉर्मेशन लेने के साथ साथ आप उसके जो लॉन्च पैड पे या फिर अदर चीज़ों को जो आर्टिफिशियल गन्स है या फिर जो हमारे सैटेलाइट्स पे मतलब तोड़ सकते हैं, ब्रोकन कर सकते हैं, और हमारे जो यहाँ पे आर्टिफिशियल गन्स है और जितनी तरह की मशीनरीज हैं उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू। तो इंडिया भी इस मोशन में है कि हम उस चीज़ों को अचीव कर ले ताकि हम चल के आगे फ्यूचर में भी हमारे पास ऐसा सेफ्टी गार्ड हो कि हम अगले देश को भी ये मैसेज दे सके कि आपका भी ये हम नुकसान कर सकते हैं। इसरो ने सबसे पहले चांद पर पानी ढूंढा, पर जो क्रेडिट है वो नासा को मिलता है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये तो एक दो कंट्रीज की डिफाइनरी होती है कि हमने ये सर्च कर लिया, हमें ये मोशन मिले, ठीक है। बट ये क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं डिस्क्राइब करते करते चीज़ों को, और उनके पास क्या होता है कि हमारे चीज़ों को चोरी करने की आदत उन्हें पहले से भी पड़ी चुकी है, ठीक है। वो कुछ हमारे इनपुट्स मिलते हैं उसको आगे चल के वो डिफाइन करते हैं, लेकिन वो सर्टेन नहीं होते, बेसिकली वो सर्टेन नहीं होते, अनसर्टेन होते हैं और डिफाइन करते हैं। मे भी तुक्का एक होता है ना कि हमने यह लगाया और भिड़ गया, तो उस साइड में वो जाके वो कभी कभी सेट हो जाती है, कभी कभी अनसेट हो जाती है, तो फिर वो जाके इंडिया के पास ही आती है, तो उनके हिसाब से वो चलती है। पीएम ने बोला है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी मतलब बेहतर हैं और डिजिटल से हम काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी में तो ये चीज़ें वर्ल्ड मानती है कि इंडिया के आज भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, इसरो हो, ठीक है, वहाँ पे हो जाके हमारे इंडियन साइंटिस्ट वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप ये स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि कोई अदर कंट्री एकदम अपने ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी कंट्री के बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं क्योंकि यहाँ पे वो वर्क नहीं करते हैं, जाके अदर कंट्री में वो वर्क करते हैं, और उन्हें क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इक्विपमेंट्स मिलती है इसलिए वो ज़्यादा अदर कंट्री को इम्पोर्टेंस देते हैं। जहाँ तक हमारे पीएम की बात है, ठीक है, कि इस देश में हमारे को भी इम्पोर्टेंस जो नहीं मिल रही है, तो यहाँ से भी लोग कोशिश तो कर रहे हैं, बट यह है कि इनके पास जितनी इक्विपमेंट्स होनी चाहिए वो अवेलेबल्स नहीं है, इनका टारगेट पूरा स्पेसिफिक नहीं होता है, और वो टारगेट मिलने के बाद ये हमारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से। अमेरिका का कहना है कि पहले भारत को गरीबी पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद साइंस के कामों में। देखिए, गरीबी तो अमेरिका में भी है, इसको आप ऐसे मना नहीं कर सकते कि वहाँ पे बाढ़ नहीं आती, वहाँ पे आग नहीं लगती क्या, और उनके जब वो मीडिया में चलती है तो भले वो मीडिया वहाँ की ये चीज़ें सभी हाइड कर देती है, ठीक है, और हमारी यहाँ मीडिया होती है कि एकदम चीज़ों को एकदम पैनिक होकर दिखाती है कि हमारी सरकार की ये कमजोरी होती है। ये चीज़ें चीन में भी अगर आया था बाढ़, तो आप वहाँ पर भी देखते हो कि जितने विकसित देश हैं उसमें भी ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर भी लोग गरीब हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी ये सब चीज़ों को सपोर्ट करती है हमें इम्प्रूव करने में, ठीक है। अगर कोई देश गरीब है तो वो टेक्नोलॉजी से भी गरीब हो जाएगा, तो उसका डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता है।